हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ में कंप्लीट द सीरीज इन फॉरवर्ड ऑर्डर। आप लोगों को पहले हमने 1 to 100 काउंटिंग बताया था और उसके बाद हमने आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर एंड बिटवीन नंबर बताया था, ठीक है। अब हम करेंगे इसे फॉरवर्ड ऑर्डर में, ठीक है। जैसे 33 दिया है तो 33 का आफ्टर नंबर क्या हो जाएगा, 34, फिर उसके बाद 35। ऐसे करके से हमें फॉरवर्ड काउंटिंग में करना है, जैसे आगे को पढ़ना है, जैसे 1 2 3, जैसे हम पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम फॉरवर्ड कहते हैं। और जब हमें बैकवर्ड करना होता है तो हम 6 5 4 3 2 1। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड नंबर और ये हो गया हमारा बैकवर्ड नंबर, ठीक है। इसी अब हमें करना क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड नंबर राइट करना है, फॉरवर्ड ऑर्डर में लिखना है, एक के बाद एक करना है, ठीक है। पहले नहीं करना, इसलिए हम इसे यहाँ लिखना सीखेंगे। तो 33 34 35 36 37, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। अब हमें 78 को फॉरवर्ड ऑर्डर में करना है, तो 78 के बाद क्या आ जाएगा, 79 आ जाएगा, फिर 80 80 81 81 82 82। इस तरह से हम काउंटिंग पढ़ के राइट करेंगे। जब तक हमें 1 to 100 काउंटिंग नहीं लर्न होगा, हम इसे राइट नहीं कर पाएंगे। या तो आप देख कर लिखोगे या तो किसी से पूछ कर लिखोगे। इससे अच्छा है आप 1 to 100 लर्न करो, उसके बाद राइट करो। फिर है 43, तो 43 का फॉरवर्ड नंबर हो जाएगा 44 45 46 47, ठीक है। फिर हमारा है 60 61 62 63 64, फिर है 82 83 84 85 86, फिर 26 है, 27 28 29 and 30 30। इस तरह से हमें फॉरवर्ड काउंटिंग 1 to 100 पहले हमें पढ़ना है, इसके बाद से हमें इसे सॉल्व करना है। फॉरवर्ड काउंटिंग में से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपनी बुक पे आप लोग पेज नंबर देख लीजिएगा, पेज नंबर है 25, उसके बाद आप इसे अपने बुक में राइट करोगे, ठीक है, नीट एंड क्लीन। थैंक यू।